ओए मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम दोनों को सोसाइटी में झंडे लगाते हुए, कभी किसी के ऑटो में, कभी किसी की बाइक में, क्या चल रहा है सब? हाँ तो क्या हुआ बे, हमारा तिरंगा है, हमारा देश है, ऊपर से 15 अगस्त आ रहा है तो हम लगाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं लगा सकते तुम। हाँ हाँ तू तो बोले गए क्योंकि तुम मुसलमान है। सालो तुम यहाँ रहते हो और खाते भी यहीं कहीं हो और फिर सब कर रहे हो, तुमने एक नंबर के ऐसा फरामोश हो। वो तो शुक्र मनाओ तुम्हें इस सोसाइटी में रहने दे रहे हैं, वरना तुम इस देश में रहने के काबिल नहीं हो। किसने कहा हम इस देश में रहने के काबिल नहीं है? जितना भारत तुम्हारा है उतना हमारा भी है। वो तो दिख रहा है कैसे तू हमारे तिरंगे का अपमान कर रहा है और हमें तिरंगा लगाने से मना कर रहा है और खुद को देशभक्त कह रहा है। और तिरंगा वापिस कर, तुझे पकड़ने के काबिल भी नहीं है, और तेरे लिए अच्छा होगा तू ऐसे निकल जा वरना बहुत मार खाएगा। अरे सचिन क्या बहस हो रही है? मैं ललित, देखिए उसको, हम यहाँ तिरंगा लगा रहे हैं और ये हमें रोक रहा है, देशद्रोही। अबे हम इनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, ये सारे मुसलमान होते ही एक जैसे हैं। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। अबे ओ थोड़ा कम बोल वरना यही मार खाएगा और इस सोसाइटी से बाहर जाएगा। अब निकल यहाँ से और दोबारा दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सारे मुसलमान ना एक जैसे, पूरा माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने, देखते कौन उगता हमको। अभी तो कल वाला है, अभी गया। माफ करना भाईजान, मैंने आपको धक्का दिया, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो बस आप इस तिरंगे पे कदम रखने वाले थे इसलिए। ये झंडा किसने फेंका होगा यहाँ पे? आपको याद है भाईजान, कल आप लोग तिरंगा लगा रहे थे ऑटो पे और मैंने आपको रोका था। मैं इसलिए रोक रहा था क्योंकि शायद आप ये पहली बार देख रहे होंगे कि हमारे देश का तिरंगा ऐसे जमीन पे गिरा, पर मैं काफी सालों से देखता आ रहा। आप लोग जो कर रहे थे वो मैं समझ गया, आप चाहते थे कि हमारे देश का तिरंगा हर जगह लहराए, पर एक बार आप अगर सोचते कि उसके बाद उस तिरंगे का क्या होता है तो शायद आपको समझ में आता। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त के टाइम पे लोग तिरंगे को लगाते हैं, ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां उनकी वैल्यू नहीं है, और उसके बाद वो ऐसे सड़कों पे गिरे रहते हैं। और इसलिए मैं आपको कल तिरंगा लगाने से रोक रहा था ऑटो पे, क्योंकि बेशक वो कल तिरंगा ऑटो पे लहराता पर अगले दिन वैसे सड़क पे पड़ा रहता, मुझे पता था। माफ़ करना भाई यार, हमको तो था ही नहीं मालूम कि ऐसा भी होता होगा, हमें लगा कि तुम हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हो तो हमने इतना कुछ तुम्हें बोल दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई समझने में तुमको, अब हमको माफ़ कर दीजिए भाई। नहीं भाईजान, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो मुस्लिम और हिंदू के रिश्ते हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं, बेशक हम धर्म से हिंदू नहीं हैं पर उसे हिंदुस्तानी हैं, जितना प्यार आप तिरंगे को करते हैं उतना ही हम भी करते हैं। ठीक है भाईजान मैं चलता हूँ। ठीक है एक सेकेंड, आपने कल मुझसे एक चीज़ कही थी जो मुझे चुभी थी, आपने कहा था कि मैं इस देश में रहने के काबिल नहीं हूँ और ना इस झंडे को पकड़ने के, मैं बस आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि मैं कितना काबिल हूँ, प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलिए। भाईजान ये मेरा घर है और वो देख रहे हैं आप, वो है हमारे देश का तिरंगा जो कि ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हम सर उठा के देखें, ना कि सड़कों पर जहाँ हमें सर झुकाने की जरूरत पड़े, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी झंडा ऊंचा रहे हमारा, और शायद आप ये सब देखने के बाद तो सोच रहे होंगे कि मैं काबिल हूँ इस देश में रहने के और अपने आप को देशभक्त कहने का। आप सही हो भाईजान, हम समझ गए हैं कि जो हमारा तिरंगा है उसकी असली जगह ऊपर है जिसे हम सर उठा के देख सकें, हम समझ गए हैं कि हमारी गलती कहाँ पर थी, अनजाने में ही सही हमें तिरंगे का अपमान कर रहे थे और हम वादा करते हैं कि ऐसी गलतियाँ फिर से कभी नहीं करेंगे, और सही कहूँ तो हमसे बड़े देशभक्त तो आप हो जो हमारे तिरंगे को इतना सम्मान दे रहे हो और अपमान से ही बचा रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शुक्रिया भाईजान, बस जैसे आपकी गलतफहमी दूर हुई है ऐसे मुझे पूरे देश की गलतफहमी दूर करनी है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अच्छा चलता हूँ।